Rahim, I am your physics teacher Shazia from Garmin Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 35th lecture of week 7. We will continue chapter number 14 electromagnetism. The learning objective of today's lecture is force on a moving charge when in magnetic field. अब ये देखें सेकेंड ईयर इसमें आपको एक नज़र आ रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस पर हमने फाइंड आउट करना है कि फ़ोर्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी इससे पहले भी मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि फ़ोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर वन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था उसी एक्सप्रेशन को लेकर हम आगे चलेंगे यहाँ आपने फाइंड आउट करना है कि आपको एक उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पहले ही दे दी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये डायरेक्शन है उस मैग्नेटिक फील्ड की कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है अपवर डायरेक्शन ये और वायर सेगमेंट जो आपको नज़र आ रहा है वो ये आपको करंट कैरिंग कंडक्टर नज़र आ रहा है अब इसके ऊपर जो वैल्यूज़ है वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है इट मींस कि करंट जो है वो क्या है करंट आपके पास किस तरह से होता है कि करंट आई विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर आई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इट मीन्स के नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं जो नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं हमने देखना है कि उन चार्जेस पर फोर्स की वैल्यू क्या एक्ट कर रही है अब आप देखें कि इसमें आपके पास जो स्लाइड में कि आपने देखना है कि इसका ए लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास वायर सेगमेंट है इसमें ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये आपके पास एल उसकी लेंथ की वैल्यू आ गई अब उसको आपने एरिया को लेंथ को आपने इस तरह से ले लिया देन वॉलीम ऑफ़ द वायर सेगमेंट इज़ इक्वल टू एल यानी अगर आपने वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये देखें वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वॉलीम वी जो है वो विलासिटी नहीं है वॉलीम है वॉलीम इज़ इक्वल टू द एल अब आपके पास एल की वैल्यू आ गई फिर अब आपने नंबर ऑफ़ चार्जेस चार्ज कैरियस पर यूनिट वॉलीम इज़ इक्वल टू एन यानी एन नंबर ऑफ़ चार्जेस आपने इसको स्पोज इस कर लेना कि एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इसमें से पास हो रहे हैं इसमें जो है वो एग्जिस्ट करते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज टोटल चार्ज जो होगा टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर इन वायर सेगमेंट इज़ इक्वल टू एन एल ये आपके पास ये वैल्यू आ गई कि टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी ये एन ए एल की वैल्यू आ गई फिर उन्होंने कहा कि ये जो चार्ज की वैल्यू होगी वो आपको डेल्टा क्यू चार्ज की वैल्यू उन्होंने लिखी है कि ये डेल्टा क्यू की चार्ज की वैल्यू होगी टोटल चार्ज ऑन एन ए चार्ज कैरियर्स यानी ये जो चार्ज कैरियर्स आपको लिखे बताए गए हैं कि जो चार्ज कैरियर जो हैं वो वायर सेगमेंट हुए हैं वो तो एन ए एल हैं मगर इनके ऊपर जो है इनके अंदर टोटल चार्ज ऑन एन ए एल चार्ज कैरियर्स विच कैन बी रिप्रजेंटेड बाई डेल्टा क्यू और वो आपके पास वैल्यू है क्यू एन एल ये वैल्यू आ गई अब इसमें ये देखें कि ये अब आपके पास एक्सप्रेशन नेक्स्ट ये आ गया कि डेल्टा क्यू की वैल्यू ये आ गई अब आई की वैल्यू क्या है डेल्टा क्यू इसकी डेफ़िनेशन ऑफ द अम्पेयर्स जो है आई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू आ गई क्यू एन एल डिवाइडेड बाय एल ओवर वी एल ओवर वी कहाँ से आया है डेल्टा टी को हमने जो है वो सेपरेट किया है डेल्टा टी को किस तरह से सेपरेट किया सिंपल इक्वेशन आपके पास आएगी जो सिंपल इक्वेशन है एस इज़ इक्वल टू वी टी ये वैल्यू आपके पास वी टी की वैल्यू आ गई इसमें इस आप वैल्यू लगा देंगी डेल्टा टी की वैल्यू लेंगी जब आप डेल्टा टी की वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगी सैकेंड ईयर तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो है वो एल ओवर वी एल जो है वो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी और वी की जगह वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर ही आ जाएगा एल जो है उसमें आपने क्यों उसे पुट किया है इसलिए कि एल आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल है हम इसका हाफ नहीं लेते हमेशा से जब भी लेते हैं चार्ज कैरियर के लिए या कोई भी पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है उसके लिए पूरा एक जो है वो ले लेते हैं लेंथ ले पूरी लेंथ ले लेते हैं और ये एक्सपोज करते हैं कि उसने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की है फ्रॉम द ज़ीरो और उसकी जर्नी जो है वो स्टॉप होती है फ्रॉम द एंड ऑफ द सेगमेंट तो ये एल ओवर वी आ गया अब आप इसको जस्ट इक्वेशन को अरेंज करेंगी जब इक्वेशन को आप अरेंज करती हैं तो आई की वैल्यू आ जाएगी एन ए क्यू एंड वी ये वैल्यू आ गई एन ए क्यू वी वैल्यू एन ए क्यू वी की वैल्यू आ गई ये वैल्यू आ गई अब आपने इस वैल्यू को पुट uh, कर देना है जो आपको मैंने एक एक्सप्रेशन करवाया था जो फर्स्ट आर्टिकल जो था फोर्टीन चैप्टर का था कि फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी ये वैल्यू थी और ये F जो फोर्स होगी एल क्रॉस बी है इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जस्ट आप आई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगी अब आप इसमें आई की वैल्यू जब पुट कर देंगी तो इसमें आप देखें कि जो डायरेक्शन जो है वो आपके पास एल की डायरेक्शन है वही वी की डायरेक्शन है यानी जो है वो एल भी आपके पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और वी यानी कि के चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी जिस जगह मूव कर रही है वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं इट मीन्स कि इनके यूनिट वेक्टर की सेम डायरेक्शन है अगर आप एल को स्प्लिट करती हैं तो एल की वैल्यू देखें कि ये आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी एल इज़ इक्वल टू एल वी ये वैल्यू आएगी आपके पास एल वी और जब आप इसकी जो आप एल को सेपरेट कर रही हैं वो आप इस एल को सेपरेट कर रही हैं ये वेक्टर फॉर्म में जो एल है इसको सेपरेट करेंगी जब आप इसको सेपरेट कर दी आपके पास ये एल एन एल यूनिट वेक्टर यानी कि एल यूनिट वेक्टर यूनिट वैक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रजेंट कर रहा है इट मींस कि आप जो है वो वी की को जब रिप्लेस करेंगी तो वी को आप रिप्लेस कर सकती हैं एल से तो अब जब आप इक्वेशन लिखेंगी आप वी जो है वो आपके पास कॉमन इस तरह से ये एक आपके पास वी है जब वी और एल को अटैच कर देंगी तो आपके पास वेक्टर वी बन जाएगा यानी आपके पास किस तरह से है कि एल जो है वो इस तरह है एल इज़ इक्वल टू एल एंड वी यूनिट वेक्टर ये इस तरह से और फिर आपने इस इक्वेशन को जब आप पुट करेंगी तो आप पास value value आपके पास वैल्यू आ जाएगी वैल्यू आएगी आपके पास एन ए क्यू एल वी क्रॉस बी यानी कि आपने v का आपने ले लिया है एक वेक्टर बना दिया है जब भी आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करती हैं या वेक्टर बनाती हैं तो उसके साथ अगर आप v का ले रही हैं ये जैसे अगर सपोज़ v है तो इसके साथ एक मैग्नीट्यूड v होनी चाहिए और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए तो फिर आपके पास एक वेक्टर कंप्लीट होगा अब सेकेंड ईयर आपके पास जो है वो पूरी इक्वेशन हो जाती है और उस पूरी इक्वेशन में आप को मिलती है फोर्स की वैल्यू फोर्स की वैल्यू मिलती है और उस फोर्स की वैल्यू को हम लिखते हैं F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B. अब इसमें देखें कि इस फोर्स की जो आपको मिली है इसमें इसको आप किस तरह से इसको ले सकते हैं वो कहते हैं कि अब आप इसकी डायरेक्शन को अगर फाइंड आउट करें तो डायरेक्शन हम इसके राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं रोटेट द फर्स्ट वैक्टर वी टू द सेकेंड वैक्टर बी through the smaller angle theta, then the curl the finger of the right hand in the direction of the rotation. The erect thumb points the direction of force. अब आपको ये इसकी force की direction भी पता चल जाएगी कि ये force की क्या direction है. फिर ये कि इसमें आप charge Q जहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे positive charge and negative charge इसके साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकती हैं कि नेगेटिव चार्ज है तो आप माइनस ई e लिख देंगी यानी आप क्यू को रिप्लेस कर देंगी आप क्यू को रिप्लेस कर देंगी माइनस ई e के साथ और इसके बाद जो है वो आप जो अगर आप पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन है तो आप क्यू को रिप्लेस कर देंगी पॉजिटिव ई e से और इस तरह से आपके पास इक्वेशन जो होगी वो आ जाएगी एफ इज़ इक्वल टू माइनस ई v क्रॉस b और फिर जो अगर प्रोटोन के लिए है तो f इज इक्वल टू प्लस ई वी क्रॉस b और v क्रॉस b के ऊपर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी अब वो कहते हैं कि इसमें आपने ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर और इसमें आप देखें कि इसमें उन्होंने कहा है कि अब इसको फाइंड आउट करें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ़ द फोर्स कब होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ़ द फोर्स कब होगी मैंने आपको कहा है कि जब भी फोर्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं तो आप क्या करती हैं कि आपके पास जो फ़ोर्स की वैल्यू आएगी वो फोर्स की वैल्यू किस तरह से है कि आप इसमें वैल्यू फाइंड लिखेंगी एफ़ इज़ इक्वल टू माइनस ई और क्यू वी क्रॉस माइनस ई और ये आपने लिखा है वी क्रॉस v क्रॉस b यहाँ पे लिखेंगे ये इसके स्पेशल केसेस होंगे जब आप ये वैल्यू लिखेंगी v क्रॉस b वैल्यूज़ तो इसमें आपने क्या करना है कि आप इसमें इसको करेंगी f इज़ इक्वल टू माइनस e v क्रॉस v b वी बी साइन ऑफ थीटा आप ये वैल्यू साइन ऑफ थीटा की लिखेंगी और देखेंगी कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आप थीटा इक्वल टू नाइन्टी पुट करेंगी थीटा इज इक्वल टू इसमें जीरो पुट करेंगी और देखेंगी कि वैन थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री देन फोर्स हैव द मैक्म वैल्यू वैन थीटा इज इक्वल टू नाइनटी जीरो डिग्री देन फोर्स हैव द मिनिमम वैल्यू ये वैल्यू सेकेंड ईयर आप इसको पुट करके देखेंगी कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं आप थीटा की वैल्यू ज़रूरी नहीं कि नाइनटी एंड जीरो पुट करें आप थीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर सकती हैं वन एटी के इक्वल भी पुट कर सकती हैं कि दोनों की वैल्यू जो है वो एंटी क्लॉक वाइज है ये भी पुट कर सकती हैं फिर आप ये भी पुट कर सकती हैं कि वैन द वी इज़ इक्वल टू आप एक और ऑप्शन ले सकती हैं वैन वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आप ये भी ले सकती हैं कि वी इज इक्वल टू ज़ीरो और फिर ये देख सकती हैं कि एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है डिपेंड अपॉन कि आपको किस तरह से वो ये क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिटर्मिन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और ये इम्पॉटेंट आर्टिकल है आप इस आर्टिकल को ज़रूर रिपीट कीजिएगा और इसको ड्राइव कीजिएगा कि किस तरह से आप फोर्स की वैल्यू पुट करती हैं जस्ट आप अपने माइंड में ये रखिएगा कि आपने कैपिटल आई की वैल्यू पुट करनी है और एक्सप्रेशन जो होगा वो आपके पास पुराना एक्सप्रेशन होगा फिजिकल टू आई एल क्रॉस बी और फिर आप इसको एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़